चाव करे सोनिए जगा जे फोन जनता सलाम करे सोनिए प्लीज करे रन्ना ना कलाम करे सोनिए। बजट मॉडिफिकेशन की बात करूं तो 30,000 रुपए इस गाड़ी का बेसिक 30,000 रुपए बजट रहने वाला है। एंड्रॉइड की क्वालिटी देखो, इसमें हम लगाया 4/64 एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो, और इसकी जो एंड्रॉइड का जो बजट है 10,000 का लगाया कैमरे के साथ। 10,000 रुपए का कैमरे के साथ? हाँ जी भैया। पियानो किट 2,000 का पड़ता है अपना, और फोग लाइट आपका 2,000 का पड़ेगा मिंडा कंपनी का, अडिगा लोगो तो 1,800 का पड़ेगा, और एलईडी अपना 1,500 से स्टार्टिंग है। जीटी किट अपना एमटेक का बेस टू टॉप करवाओगे तो 9,000 का पड़ेगा, वैसे 11,000 का सिंगल पीस टाइकून का, वो कितने का आएगा बेस टू टॉप के लिए? बेस टू टॉप करवाओगे तो 7,000 का पड़ेगा, वैसे 8,000 का। 8,000 का जी, बिल्कुल लगा दिया हमने। 1,000 रुपए का भैया टाटा के लोगो के साथ, अगर विदाउट टाटा लोगो ले तो 700-800 रुपए का आता है नॉर्मल। ऑटो फोल्ड कराना तो 7,000 का मात्र भैया, लगा दिया इसमें पंच की बैजिंग के साथ, मात्र 500 रुपए में लगा के दिया भैया को चारों। क्रोम लोगे तो 800 रुपए का है, गैलियो का लोगे तो 1,200 रुपए का है, सीनली कंपनी का आता है वो 1,500 रुपए का। रूफ रेल कितने का लगेगा? गैलियो कंपनी का भैया 1,500 रुपए का आएगा, ठीक है। और स्पॉइलर अपना आएगा आपका 2,000-2,500, 2,000 में लाइट वाला, 2,500 लाइट वाले के साथ ठीक है। तेरे की कोचिंग 1,500 की आते टाटा जी ने मिल जाएगा प्रॉपर अपने पास। इसकी भैया वारंटी है 5 ईयर्स की, ठीक है, कहीं नहीं जाएगी लगने के बाद आप। ओके, सीट कवर, स्टेरिंग कवर और डैशबोर्ड और डोर पैनल, ओके, मात्र 8,000 में लगा के देंगे आपको। आरवी भी चेंज किया, ओके, इसे भैया हमने दिया 50% का ऑफ। इसकी भैया एमआरपी होती है 830 रुपए, ओके, भैया को 415 का लगा के दिया है। 415 रुपए का जी भी, हाँ। सेंटर लॉक और फ्लिप की कम्प्लीमेंट्री फ्री है, और टाटा जनो जितने पार्ट है उसे 50% ऑफ है आपका, और पॉलिश परफ्यूम डोर गार्ड हम ऐसे लगा के दे देते हैं। मैं आपके वीडियोस देखी थी, मैं आपको काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, 6-7-8 महीने से मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो इन्होंने जितने पंच की वीडियोस डाली है ऑलमोस्ट सारी देखी। शायद ही कोई वीडियो होगी कि पंच की आती है और मैं उस पर क्लिक नहीं जाता है, वही देख कर मैं काम कराने आया। सबसे पहले तो अटेंड अच्छा किया, ठीक है, मतलब इनका जैसे वीडियो पर बिहेवियर था, पोलाइटनेस लेवल था, सब कुछ ऑन ग्राउंड सब कुछ सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। मनीष भाई तुमका बोल रहा हूँ भाई, मतलब सब कुछ सेम टू सेम, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं। ओके, और प्राइसेस भी जेन्युइन जैसे ये बताते हैं वीडियो में, एक भी ज्यादा नहीं, कम होगा वो अलग बात, बट ज्यादा एक भी नहीं। अरे गुड, तो मतलब जेन्युइन प्राइसेस हैं, जेन्युइन प्रोडक्ट हैं। वारंटी कार्ड मैंने सोने के स्पीकर कंपोनेंट्स लगवाए, कोएक्सियल लगवाए, और एंड्रॉइड का भी इन्होंने वारंटी कार्ड आई थिंक मुझे दिया है उस पर भी, हाँ। तो सब कुछ जेन्युइन है, प्रोडक्ट्स जेन्युइन है, सर्विसेज अच्छी हैं। मैं भी किसी के फीडबैक को देखकर ही आया था जी, इनके वीडियोस तो हैं ही, बट कस्टमर फीडबैक भी इंपॉर्टेंट है, बड़ा मैटर करता है, राइट। तो वो एंड में क्या बोल रहे हैं सारे चीज कराने के बाद। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मित्र ऑन व्हील्स की एक और नई वीडियो, एक और नया दिन, और बजट मॉडिफिकेशन के साथ हम आ चुके हैं मनीष कार एक्सेसरीज में। आज रहने वाली है न्यू 2024 टाटा प्योर पंच, बेस वेरिएंट रहने वाला है। बजट मॉडिफिकेशन की बात करूं तो 30,000 रुपये इस गाड़ी का बेसिक 30,000 रुपये बजट रहने वाला है। तो मनीष भाई हमारे साथ में, मनीष भाई से बात करते हैं गाड़ी में क्या मॉडिफिकेशन हुई है। अब मनीष भाई पे चलते हैं, कैसे हो मनीष जी आप? बहुत बढ़िया भैया। तो बेस वेरिएंट आया है जी, तो बताओ इसके बारे में क्या मॉडिफाई करा है, क्या बजट रहने वाला है इस गाड़ी का? बजट भैया 30,000 रुपये है सिर्फ जी भैया। 30,000 रुपये भी काम होता है क्या? होता है भैया। अच्छा, 30,000 में काम होता है। आज से पहले 35,000 ही बताया था, है ना? 35,000 भी जी भैया। चलो अब 30,000 वाला सिस्टम भी निकाल दिया 30,000 का, वेरी नाइस जी। तो फ्रंट से तो मेरे को लग रहा है कुछ करा ही नहीं इस गाड़ी में, पंच में कुछ नहीं लगाया इस गाड़ी के अंदर, ठीक है। हॉर्न गियर अपग्रेड हुआ है इसका? हॉर्न लगाया भैया, बस हॉर्न ही अपग्रेड हुआ है। कौन सी कंपनी का? हाइड्रोसोनिक का भैया, 1 साल के वारंटी रिप्लेसमेंट। चलो हाइड्रोसोनिक तो बढ़िया है, मिंडा से ज्यादा बेटर है, बढ़िया मिंडा, ठीक है। आवाज सुनाता हूं एक बार, रिस्पांस, हां राइट, ठीक है बढ़िया आवाज है। और बताओ साइड प्रोफाइल में क्या वर्क? साइड प्रोफाइल में भैया बिल्कुल लगा दिया हमने, ठीक है। क्या कॉस्टिंग रहती है? 1,000 रुपए का भैया, टाटा के लोगों के साथ। टाटा के लोगों के साथ जी भैया। और अगर विदाउट टाटा लोगो ले तो? 700-800 रुपए का आता है नॉर्मल, सेम यही वाला ब्लैक। हाँ ब्लैक में, बाकी अगर रिम थोड़ा सा ब्लैक कर देना अंदर से तो थोड़ा मैच, अच्छा कंट्रास्ट बैठ जाएगा। रिम थोड़ा गंदा हो गया ना इसमें, ब्लैक है पहले से, साफ हो जाएगा तो मैच हो जाएगा। चलो जी, बाकी रूफ टेपिंग देख सकते हो, मैं आपने रूफ टेपिंग करी है, राइट? रूफ टेपिंग पूरा लगा दिया हमने, ठीक है। ये देखो ये पूरा हाफ लगाया गाड़ी, छत भी लगाया, पिलर के साथ भी लगाया, पिलर के साथ आपने करा है, बहुत सही लग रही है ना गाड़ी। डुअल टोन हो जाती है, काफी अच्छा लगता है। रूफ रेल स्पॉइलर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना? नहीं पड़ती। बाकी वो चीज अलग है कि यार थोड़ा सा ब्लैक कलर ऊपर रहता है तो गर्मी एब्जॉर्ब करता जी, है जी, जी। बाकी काली गाड़ियां भी तो लोग लेते ही हैं जी, जी, तो क्या ही फर्क पड़ता है। बाकी अच्छी लग रही है ओवरऑल गाड़ी में, अगर क्या है ना कि 35,000-30,000 रुपए का काम हुआ तो ओवरऑल गाड़ी अच्छी लग रही है, बाहर से सॉर्टेड गाड़ी लग रही है। एक पियानो किट हो जाती है लेकिन वो भी थोड़ा सा हैवी फील करा देती है गाड़ी। पियानो किट 2,000 का पड़ता है अपना, ठीक है, और फोग लाइट आपका 2,000 का पड़ेगा मिंडा कंपनी का,
आरडी का लोगो तो 1800 का पड़ेगा। ओके और एलईडी अपना 1500 से स्टार्टिंग है। 1500 से स्टार्टिंग है। जीटी किट अपना एमटेक का बेस शूट ऑफ करवाओगे तो 9000 का पड़ेगा। ठीक है। वैसे 11000 का सिंगल पीस में। वैसे 11000 जी भैया। बेस शूट ऑफ कराएंगे तो 9000 रुपए का। एमटेक वाला? एमटेक वाला। अच्छा, फ्रंट बैक और साइड वाला। ठीक है जी। और वैसे सिंगल? सिंगल कोई लेने आता है टॉप मॉडल तो उसको पड़ेगा 11000 रुपए। 11000 रुपए जी जी। और एक दूसरे वाला आता है वो भैया 8000 का आता है। वो कौन सी कंपनी का? टाइकून कंपनी का। टाइकून का वो कितने का आएगा बेस टू टॉप के लिए? बेस टू टॉप करवाओगे तो 7000 का पड़ेगा। 7000 रुपए का जी। और वैसे? वैसे 8000 का। 8000 का जी। ठीक है। अगर हमने ऑटो फोल्ड कराना तो क्या? 7000 का मात्र भैया। ठीक है जी। बेस टू टॉप के लिए? बेस टू टॉप के लिए। जेकर मिरर ही चेंज करवाएं फिर 50% ऑफ है। एसेसरी प्लस स्पेयर पार्ट पे 50% ऑफ जी भैया। वेरी नाइस। साइड प्रोफाइल में डोर वाइजर का है? डोर वाइजर का लगा दिया सिंगल पंच की बैजिंग के साथ। इसकी जो कोस्टिंग आती है मात्र 500 रुपए में लगा के दिया भैया को। ओके। उसकी टेप बहुत हैवी होती है। अच्छा, देखो कहीं नहीं गिरेगा लगने के बाद आपका। ठीक है जी। ये सिर्फ 500 रुपए का? मात्र 500 रुपए चारों। क्रोम लोगे तो 800 रुपए का है। ओके। गैलियो का लोगे तो 1200 रुपए का है। सिनली कंपनी का आता है वो 1500 रुपए का। अच्छा, वो इतना महंगा है? हाँ, ली कंपनी का आता है। ली का गैलियो से भी महंगा क्या? बहुत महंगी है भैया। उसकी गारंटी कभी जंग नहीं लगा उसके अंदर। अच्छा, गैलियो में भी तो नहीं लगता वैसे तो? गैलियो में लग जाता है कभी कभी। अच्छा, उसमें नहीं लगता लीक। उसमें लगता ही नहीं है? नहीं, कभी नहीं लगता। कभी कंप्लेन नहीं आया आज तक। ठीक है, ये चीज भी बता दी आपने। हाँ, हमने लोअर गार्च लगा दिया इसके अंदर। ओके। ये भी हमने लीक का लगाया, सीन लीक का। ठीक है। इसकी भैया गारंटी लाइफ टाइम की। ये हमने लगाया 4 पीस का, 1 2 3 4। किसी को आपको चाहिए सेम पीस वाला वो भी अपने पास अवेलेबल है। कॉस्टिंग क्या रहेगी दोनों की? इसकी कॉस्टिंग भैया 800 रुपए की है, उसकी कॉस्टिंग 1500 रुपए की है। ठीक है, सिर्फ 2 पीस बढ़ेंगे जी भैया। 2 पीस बढ़ेगा। और साइड बिनिंग लग जाएगा। ठीक है। पियानो किट लग जाएगा इसके अंदर। ओके जी। ठीक है। तो पियानो किट तो बता दिया आपने, 2000 रुपए का लगेगा। रूफ रेल कितने का लगेगा? गैलियो कंपनी का भैया 1500 रुपए का आएगा। ठीक है। और स्पॉइलर अपना आएगा आपका 2500 का लाइट वाला। 2500 2000 में लाइट वाला, 2500 लाइट वाले के साथ आपको मिलेगा। ओके जी। ठीक है। और ये वारंटी क्या रहती है स्पॉइलर की? लाइट वाइट खराब हो जाए तो भाई रिप्लेस हो जाता है आपका। कोई दिक्कत मनीष का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है जी। रियर में बताओ? हाँ, लेबर हमने कैमरा लगा दिया भैया, एडिशन कंपनी का लगाया। ठीक है। और भैया का जो हमने एंड्रॉइड लगाया कॉम्बो के साथ, कैमरे प्लस एंड्रॉइड दोनों 464 लगाया। 464 लगाया। इसकी कंपोनेंट को एक्सेल कौन से लगे? कॉम्बो को एक्सेल भैया का लगाया हमने सोनी का। सोनी का। ठीक है। बूट लाइट लगी है इसमें? डिग्गी लाइट लगी है भैया। रिफ्लेक्टर की कमी है राइट? हाँ भैया, ये देखो आप। okay. एक बार एक तो हमने ट्रे भी लगा दिया इसके अंदर। ठीक है। ट्रे की कॉस्टिंग 1500 की आते हैं। टाटा जो मिल जाएगा प्रॉपर अपने पास। हमने गाड़ी okay. में दिखा रखा है टाटा का लोगो इसके अंदर प्रॉपर। कहाँ लिखा है? टाटा का लोगो आता है भैया, ये रहे रहे। देखो लोगो आता है, लिखा नहीं लोगो आता है। राइट राइट। डिक्की लाइट लगा दे 50% ऑफ करके हमने। ठीक है जी। ओवरऑल गाड़ी काफी सही लग रही है, मतलब 30000 में और क्या ही चाहिए राइट? जी भैया जी। तो एक बार इंटीरियर की बात करते हैं मनीष जी। जी इंटीरियर। और बाकी भैया को हमने टावल परफ्यूम सब दिया भैया को, कम्प्लीमेंट्री फी दे रखा है। इंटीरियर की बात करते हैं, इंटीरियर में क्या काम हुआ? ठीक है, इंटीरियर में बताओ मनीष जी। भैया हमने सबसे मेन काम किया सीट कवर का, और डायमंड का सीट कवर लगाया, और आइस ग्रे के अंदर है और डायमंड के अंदर है। इसकी भैया वारंटी है 5 ईयर्स की। ठीक है। कहीं नहीं जाएगी लगने के बाद आप। ओके। सीट कवर, स्टेरिंग कवर और डैशबोर्ड और डोर पैनल। ओके। मात्र 8000 में लगा के देंगे आपको। दोबारा रिपीट करते हैं, सीट कवर, ओके, स्टेरिंग कवर, डैशबोर्ड और चारों डोर पैनल। ठीक है। मात्र 8000 में पूरा कॉम्बो रहेगा। हाँ, 8000 से स्टार्टिंग है, 8000 में लगाके दे देंगे आपको। ओके। वैसे 12000 का भी है, 15000 का भी है। ठीक है जी जी। मतलब 8000 से स्टार्टिंग है जी भैया। फिटिंग ऐसी सी आएगी या थोड़ी डिफरेंट आएगी? फिटिंग भैया ऐसी प्रॉपर आएगी। ओके जी। बाकी अगर कॉम्बो का अगर प्राइस अगर बढ़ते हैं जैसे 10000 वाला करवाते हैं तो डिफरेंस क्या रहेगा? क्वालिटी का कपड़े का फर्क होता है, बाकी फिटिंग सेम ही रहेगी। कपड़ा अलग हो जाएगा, मार्बल कपड़ा आ जाएगा या मयूर आ जाएगा आपका। ओके ओके। बाकी ओवरऑल आप स्टेयरिंग देख सकते हो जी भैया। ठीक है। स्टेयरिंग कंट्रोल की थोड़ी सी कमी है यहाँ पे बस, है ना जी। बाकी जैसे कि बताया बजट मॉडिफिकेशन है, तो जो जो रिक्वायरमेंट है कस्टमर की वो इन्होंने पूरी करी। बाकी बहुत सही लग रहे हैं सीट कवर्स जी, और स्टिचिंग्स बिल्कुल एक्यूरेट है जी भैया। ठीक है जी, गुड। बाकी यहाँ पे वेलकम स्कफ लाइट नहीं लगी है, लाइट नहीं लगाते, वेलकम लाइट तो लगाते ही नहीं आप। हाँ, उसमें दिक्कत आती है लाइट वाले। ठीक है। वायरिंग वायरिंग का दिक्कत होता है, हम लगाते नहीं। प्लेट वाला आते हैं एसएस स्टील का, उसकी गारंटी होती है, जंग लग जाएगा तो रिप्लेस हो जाएगा आपका। ठीक है जी। बाकी पावर विंडो वगैरह नहीं लगी? पावर विंडो लगी, सेंटर लॉक लगी। ठीक है। अगर भैया लगवाते बेस्ट टॉप करवाते तो भैया को हम सेंटर लॉक कम्प्लीमेंट्री फ्री देते हैं बेस्ट टॉप पे, और एसेसरी प्लस स्पेयर पार्ट 50% ऑफ है। ठीक है जी भैया। बाकी पावर विंडो देख पा रहा हूं, 50% ऑफ लगा के दिया है। ये जेन्युइन रहने वाली है? जेन्युइन भैया, टाटा की प्रॉपर।
ओके और इसमें आपका फोन चार्ज भी हो जाएगा एंड जो एंड्रॉइड है ना उसकी मेमोरी बढ़ा देगा आपको। एक चीज और पूछनी थी, ये यूएसबी जो हम लगा रहे हैं इसकी जगह हम सी टाइप नहीं लगा सकते? सी टाइप भैया अभी कोशिश करें लगाने का, वो बहुत जल्दी लगाएंगे। लेकर आओ सी टाइप, जरूरी है आजकल के टाइम पे ना। जी भैया सी टाइप लगाते हैं, हर चीज में सी टाइप यूज हो रहा है आजकल। जी 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 वो लगाएंगे। बाकी गाड़ी ओवरऑल काफी सही लग रही है। उसके बाद हमने इसमें आरवी भी चेंज किया। ओके इसे भैया हमने दिया 50% का ऑफ। इसकी भैया एमआरपी होती है 830 रुपए। ओके भैया को 415 का लगा के दिया। 415 रुपए का? जी भैया। हाँ उसके बाद एंड्रॉइड की क्वालिटी देखो, इसमें हम लगाया 464 एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो और इसकी जो एंड्रॉइड का जो बजट है 10,000 का लगाया कैमरे के साथ। 10,000 रुपए का कैमरे के साथ? हाँ जी भैया, ये TS9 प्रोसीजर होता है। अगर जैसे T5 लग जाएगा तो उसकी कॉस्ट महंगा हो जाएगा। ओके ओके ओके, वो उसके हिसाब से होता है। ठीक है जी जी। बाकी सही लग रही गाड़ी ओवरऑल? जी भैया सही लग रही है। ये लैक लुक तो नहीं करेगा? लैक बिल्कुल नहीं है, देखो ना एक बार आप। कहीं ऐसा तो नहीं कि सस्ता है तो ये ना हो? लैक लैक बिल्कुल नहीं करता भैया, नेटफ्लिक्स सब चलेगा इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं आता इसके। फिलहाल एडिशन कंपनी का। ओके देखो आप टच कितना फास्ट है। एक बार रियर कैमरा की क्वालिटी देख लेते। जी भैया ठीक है, तो एक बार लगाओ क्लच एक बार। ओके जी भैया ठीक है। ये भैया नॉन गाइडलाइन है। ओके जी भैया, कॉम्बो भैया लगवाया इसलिए। क्वालिटी कुछ जबरदस्त नहीं लग रही लेकिन मनीष भाई। जी भैया ठीक ठाक क्वालिटी है ना? जी क्वालिटी में इस वाली में मजा नहीं है मेरे को क्वालिटी में। जी भैया हाई पोजीशनिंग लगाते उसमें मजा आता है। हैं जी भैया, हाई पोजीशनिंग जो लगाते उसमें मजा आता है। हाँ हाँ, ये वाली में थोड़ा सा मजा नहीं आया मेरे को। जी जी, वो कौन सी कंपनी का लगाया बोला? एडिशन का लगाया। इसमें मजा नहीं है, ये देखो ना एडिशन। अच्छा अच्छा जी जी, तो वही चक्कर है ना। जी जी, लेकिन ये चीज होनी जरूरी है क्योंकि अगर रियर कैमरा होना काफी जरूरी है। मतलब अपने पास ब्लू पंग का भी अवेलेबल है, ब्लू पंग का जाओगे तो 2400-2500 का रेंज में आ जाएगा। एक हाइपरसोनिक का भी लगाते हो? हाइपरसोनिक का भी लगाते हैं, उसकी भी क्वालिटी अच्छी है। दूसरी गाड़ी में लग रहा है, वो हम उसकी क्वालिटी दिखाएंगे आपको। ठीक है जी जी। कितनी गाड़ियां हैं आज आपके पास? आपके पास 3 गाड़ी है भैया। 3 जी, चलो गुड है। बाकी एक बड़ी कस्टमर फीडबैक ले लेते हैं। एक इसमें हमने लगाया ग्लो बॉक्स लाइट, ग्लो बॉक्स लाइट 50% ऑफ करके। ठीक है, जैसे बंद करोगे स्विच भी साथ बंद हो जाएगा। ठीक है, स्विच साथ ऑन हो जाएगा। अच्छा, बेस टू टॉप के लिए कॉम्प्लीमेंट्री सेंटर लॉक और फ्लिप की कॉम्प्लीमेंट्री फ्री है। और टाटा जनरल जितने पार्ट है उसे 50% ऑफ है आपका। और पॉलिश परफ्यूम डोर गार्ड हम ऐसे लगा के दे देते हैं। ठीक है, एक बार कस्टमर फीडबैक ले लेते हैं। कस्टमर का क्या फीडबैक रहा मनीष भाई के पास? एक बार कस्टमर फीडबैक लेते हैं, कैसा फीडबैक रहा मनीष कार एक्सेसरीज पे? तो कैसे हो भाई आप? बढ़िया हो यार, आप अपना बताओ। बस बहुत बढ़िया। तो क्या नाम रहेगा सबसे पहले आप ये बताओ? मेरा नाम सक्षम हुआ। सक्षम जी, सक्षम जी कहाँ से आए हो आप? ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा से, रजिस्टर्ड गाड़ी दिल्ली है? रजिस्टर्ड दिल्ली है। ठीक है, तो कैसे पता लगा मनीष जी के बारे में? मनीष जी, मैंने आपके वीडियोस देखी थी, मैं आपको काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर फॉलोइंग। तो मनीष भाई को मैंने तब से देखा है, मतलब आज पिछले 7-8 महीने से मैं फॉलो कर रहा हूँ इनको। ओके, तो इन्होंने जितने पंच की वीडियोस डाली है ऑलमोस्ट सारी देखी है। अरे मनीष जी कॉम्प्लीमेंट्री सो इस बात पे तो मतलब शायद ही कोई वीडियो होगी कि पंच की आती है और मेरे मैं मतलब मेरे उस पे क्लिक नहीं जाता है यार। अब हमारा एक व्यूअर कम हो गया तो मतलब वही देखकर मैं काम कराने आया। अब तो अब देखोगे नहीं आप? नहीं नहीं देखो अभी, और मैंने बोला इनको सेकंड ट्रिप में कि कुछ कुछ एलईडी लाइट्स वगैरह। ठीक है हाँ, ये भी थोड़ा बजट 30,000 के लगभग काम हुआ आपका, तो ट्रिप मारना है इसके लिए, कुछ और सेव करके फिर थोड़ा सा और कर। अरे नहीं, मोस्ट वेलकम है आपका। और सबसे बड़ी बात सक्षम जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मैं ये पूछना चाहूंगा कि वीडियो में तो बहुत कुछ बताते हैं दिखाते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड आपका कैसा फीडबैक रहेगा? ऑन ग्राउंड में शॉप पे आया तो मनीष भाई ने सबसे पहले तो अटेंड अच्छा किया। ठीक है, मतलब इनका जैसे वीडियो पर बिहेवियर था, पोलाइटनेस लेवल था, सब कुछ ऑन ग्राउंड सब कुछ सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। मनीष भाई के मुंह पर बोल रहा हूँ भाई, मतलब सब कुछ सेम टू सेम, कुछ भी अलग नहीं। ओके, और प्राइसेस भी जेन्युइन जैसे ये बताते हैं वीडियो में, एक भी ज्यादा नहीं, कम होगा वो अलग बात, बट ज्यादा एक भी नहीं। अरे गुड, तो मतलब जेन्युइन प्राइसेस हैं, जेन्युइन प्रोडक्ट हैं। वारंटी कार्ड मैंने सोने के स्पीकर कंपोनेंट्स लगवाए, कोएक्सियल लगवाए, और एंड्रॉइड का भी इन्होंने वारंटी कार्ड आई थिंक मुझे दिया है उस पर भी। हाँ, तो सब कुछ जेन्युइन है, प्रोडक्ट्स जेन्युइन है, सर्विसेज अच्छी हैं। भाई ने गर्मी भी नहीं लगने दी, मतलब बाहर गर्मी थी बट भाई ने पानी वानी का जुगाड़ करके रखा है। चलो गुड है, ठंडा पानी था उधर, बाकी नेचर पोलाइट है, सब कुछ ओके। नेचर बहुत अच्छा। स्टाफ कैसा है इनका? स्टाफ भी अच्छे हैं, सारे कोऑपरेटिव, सारे टाइम पे काम कर रहे हैं अपना और अच्छे से कवर, परेशान वाले करने वाली गेम नहीं कोई। चलो, तो आई विश सक्षम भाई आप बहुत सारी गाड़ियां ले लाइफ में। ठीक है, आपके साथ एक भाई आए वो भी बहुत सारी गाड़ियां ले। ठीक है, और हमारे साथ कनेक्टेड रहे, टाटा देखकर ये भी भाई पंच वगैरह लेने के मूड में आ रहे हैं। अच्छा, तो चलो आने वाले फ्यूचर में, चलो ऑल द बेस्ट है फिर। ठीक है, थैंक यू। तो बहुत अच्छा लगा सक्षम भाई आपसे बात करके, एंड आई विश
बहुत सारी तरक्कियां करे आप लाइफ में, अभी तो यंग एज है, बहुत सारी गाड़ियां लेनी है, ग्रो करें और मनीष भाई के पास और लोग आए और लोग जाने। ठीक है, मतलब अच्छे इंसान है और प्राइसेस जेन्युइन है, प्रोडक्ट आपने काफी हेल्पफुल फीडबैक दिया, काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो, आपने ऑन ग्राउंड आपका अपना फीडबैक भी बताया, वो कि वो भी बड़ा हेल्पफुल होगा सबके लिए। तो क्योंकि मैं भी किसी के फीडबैक को देखकर ही आया था जी, इनके वीडियोस तो हैं ही बट कस्टमर फीडबैक भी इंपॉर्टेंट है, बड़ा मैटर करता है, राइट। तो वो एंड में क्या बोल रहे हैं सारे चीज कराने के बाद, सबसे बड़ी बात है कि हम कभी भी कस्टमर फीडबैक लेते हैं, उसमें कोई वीडियोस में कट हो सकते हैं लेकिन कस्टमर फीडबैक में हम कभी भी कोई भी कट नहीं लगाते, ठीक है, क्योंकि वो चीज बिल्कुल रॉ होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम उसमें भी मॉडिफिकेशन कर देंगे वीडियोस में तो वो तो फिर नेचुरल चीज रही नहीं, वो तो सिर्फ मनीष भाई के हक में बात हो गई है ना, लेकिन मेरे लिए मैटर तो यही करता है कि कस्टमर का क्या फीडबैक है। इवेंचुअली आप मेरे थ्रू ही आ रहे हो, राइट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इफ आई आस्क यू आउट ऑफ 10 तो व्हाट वुड यू गिव? मैं मनीष भाई को 10 out of 10 ही देना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने जो बोला वो डिलीवर किया, मैंने जो मांगा उन्होंने ला कर किया, मतलब इन्होंने व्हील कैप्स वगैरह भी शायद नहीं थे तो भाई ने मंगवा करके लगाया, मैंने बोला कि मेरे को टाटा जेन्युइन चाहिए, भाई ने एक्स्ट्रा 10 मिनट लिए बट मंगवा करके अच्छे से फिटिंग वगैरह करा करके दिए, विच इज गुड, राइट, विच इज गुड। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा बात करके, वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है, करें मनीष जी, खुश हो? बहुत खुश हूं भैया, ओके, रिपोर्ट है। तो भाई वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना है, सेफ ड्राइव टिल देन, ओके गाइस।